तखतपुर के ग्राम पंचायत चोरमा में रामचरितमानस का आयोजन किया गया। इसमें सुबह से ही भक्तगणों की भीड़ लगी रहती है। आज देजा वाले संतोष पांडे भागवताचार्य के द्वारा निषाद राज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। रामायण में श्री राम सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो वन में गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। विश्राम के लिए सभी वहीं ठहर गए थे। जब यह खबर निषाद राज गुह को मिली तो वे अपने साथियों के साथ भगवान के दर्शन करने वहां आ गए। श्री राम के भेंट देने के लिए फल कंदमूल ले आए। श्री राम निषाद राज को अपना प्रिय मित्र मानते थे। निषाद राज ने श्री राम से कहा कि आप कृपा करके मेरे गांव श्रृंगवेरपुर चले और मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। श्री राम ने कहा कि प्रिय मित्र, मुझे मेरे पिता की आज्ञा से 14 वर्ष तक वन में ही ऋषि मुनियों की तरह जीवन यापन करना है। मैं अब किसी गांव या नगर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इस बात से निषाद राज बहुत दुखी हुआ। तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे कुश और कोमल पत्तों से श्री राम के आराम करने की व्यवस्था कर दी। वहाँ श्री राम विश्राम करने के लिए सो गए। निषाद राज श्री राम की ऐसी अवस्था देखकर लक्ष्मण से बोले कि महल में सुंदर पलंग पर भगवान विश्राम करते होंगे, यह जमीन पर सोना पड़ रहा है। यह स्थिति देखकर निषाद राज ने कहा कि लोग सच ही कहते हैं कि भाग्य ही प्रधान है। इसके बाद निषाद राज ने केवट की मदद से श्री राम सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी पार करवाई। इस रामचरितमानस में दूर दूर से आचार्य आकर रामचरितमानस का रसपान कर रहे हैं, जिसका लाभ दूर दूर से आने वाले राम भक्त उठा रहे हैं। मानस किया, मानस गंगा बह रहा है। जिस मानस गंगा में चोरमा में यह ग्रामवासी इकट्ठा होकर के महिला मानस मंडली चांदनी और इन मानस मंडलियों में सभी लोग श्रद्धा चांदनी चौक देवरी की कथा सुन रहे हैं, सीता जी के आचरण कर रहे हैं और हनुमान जी की तरह भक्त बने हुए हैं। और इन भक्तों को देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुआ और इनकी ऐसे ही निर्मल विमल सद्बुद्धि को प्रदान करते रहें और जिससे भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलो सीतापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस में आने वाले सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ग्रामवासियों ने अनुरोध किया है कि सभी भक्तगण आकर रामचरितमानस का आनंद लेते हुए अपना जीवन कृतार्थ करें। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।